दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार ये रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन आने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, रक्षाबंधन पर आपको एक खास बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए और वो ये कि रक्षाबंधन पर भद्रा मुहूर्त में बिल्कुल भी आप अपने भाई बहन को राखी ना बांधें, क्योंकि भद्रा और राहु काल ये दोनों मुहूर्त बहुत ज्यादा गलत होते हैं। इन समय में रक्षा बांधने का मतलब ये होता है कि भाई बहन पर कोई न कोई संकट आ सकता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भद्रा काल और राहु काल ये दोनों ही समय बहुत ही ज्यादा अशुभ माने जाते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषज्ञों का भी ये मानना है कि भद्रा नक्षत्र में अगर राखी बांध दी जाए तो कोई न कोई अनहोनी हो सकती है। आपको बता दूं, जब दोस्तों रावण ने अपनी बहन से जब राखी बंधवाई थी ना, तो रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और उसके बाद वही रावण जो श्रीलंका में राज करता था, सोने की लंका हुआ करती थी उसकी, भद्रा काल में राखी बांधने के ही चलते कई पौराणिक इतिहासकारों का मानना है कि रावण का सर्वनाश उसी दिन से शुरू हो गया था और उसके बाद पूरा कांड रामायण रचना वगैरह सब कुछ उसी का फल था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भद्रा काल में राखी बांधने से क्या कुछ नहीं हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों, भद्रा काल में भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और इस कारण से भद्रा काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि आखिर इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो राखी बांधने का मुहूर्त पूरे दिन अच्छा रहेगा, लेकिन स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजी वैज्ञानिकों का यानी कि ज्योतिष साइंटिस्ट का ये कहना है कि शाम को 4:30 पर राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और इसीलिए शाम को 4:30 बाद आप बिल्कुल भी राखी ना बांधे, उससे पहले पहले बांध लें, ठीक है ना। उससे पहले हालांकि दिन भर शुभ मुहूर्त रहेगा, लेकिन उसमें भी सबसे बेस्ट सबसे अच्छे मुहूर्त की अगर बात करें तो 12:00 से लेकर 1:00 तक का जो मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा रक्षाबंधन के। अच्छे मुहूर्त में और बिना भद्रा काल में भाई की कलाई में राखी बांधने से भाई को कार्य में सिद्धि मिलती है और विजय प्राप्ति होती है, भाई को सफलता मिलती है, सक्सेस हासिल होती है। तो स्पेशली मतलब बहुत ही अच्छा जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 12 से 1 के बीच में रहेगा, है ना। अच्छा, बाकी रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल कब कब रहेगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 समय है जब भद्रा मुहूर्त रहेगा। रक्षाबंधन भद्रा पूंछ रहेगा 2/19 से 3/27 तक, मतलब रात का जो टाइम होगा मॉर्निंग के टाइम का वो। 22 अगस्त को तड़के 3/27 से 5/19 तक रक्षाबंधन पे भद्रा मुख रहेगा और भद्रा का जो अंतिम समय होगा 6:45, मतलब रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन 4:30 वापस वो राहु काल शुरू होगा। तो इन दोनों ही काल में आपको राखी नहीं बांधनी है, ठीक है ना। दोपहर के समय बांध देना, बहुत अच्छा समय रहेगा। राखी की थाली कैसे सजाएं, रोली, कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और राशि के अनुसार रंग डालें अपनी राखी की थाली में। ज्योतिष गणना के अनुसार दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन पर 2 विशेष शुभ मुहूर्त के संयोग का निर्माण हो रहा है। रक्षाबंधन पर ये धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस शुभ संयोग को अति उत्तम माना गया है। माना जाता है कि इस संयोग में रक्षाबंधन पर भाई और बहन दोनों के ही लिए शुभ कारक और फलदायी होता है और ये जो शोभन योग होगा ना, ये 6:45 से लेकर 10:30 तक के बीच में रहेगा, जबकि धनिष्ठा योग शाम को करीब 7:40 तक रहेगा, लेकिन बीच में राहु काल आ जाएगा। तो इसीलिए आप कुल मिलाकर के या तो मॉर्निंग के टाइम में 6:30-7 के बाद राखी बांध लेना या दोपहर के समय में बांध लेना, ठीक है ना, ये शुभ रहेगी। ये रक्षाबंधन के स्पेशली विशेष मुहूर्त को लेकर मैंने आपको ये वीडियो बना करके बताया, उम्मीद आपको जानकारी मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं, क्या तोहफा देने जा रहे हैं, कमेंट करके बताइए जरूर। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।